लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर भारत के उत्कृष्ट शारीरिक शिक्षा संस्थानों में से एक है। नेक के द्वारा A+ ग्रेडेड है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में विशेष करके तीन प्रकार के कोर्स हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और डॉक्टर प्रोग्राम। हम अब आगे जाते हैं, इन कोर्सेज के बारे में विस्तार से जानेंगे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर और डिस्टेंस लर्निंग दोनों ही अवेलेबल है। रेगुलर कोर्सेज के अंदर में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि BPED, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के अंदर में BA स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। इन कोर्स के बारे में हम विस्तार से आगे हम जानेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर कोर्स के अंतर्गत मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED, MA इन योगा, MA इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, MA इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, MA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, MSc इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, MSc इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन। ये LNIP के पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के रेगुलर कोर्सेस हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट केवल भारतीय लोगों के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म केवल भारतीयों के लिए है। ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारे कोर्सेस थे। अब डॉक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फिजिकल एजुकेशन, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन योगा एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर कोर्स के अंतर्गत हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसे हम BPED के नाम से भी जानते हैं। कुल 8 सेमेस्टर होता है, इसमें कुल 4 वर्ष लग जाते हैं। इसके लिए आपको 10+2 यानी कि इंटर पास होना जरूरी है, या फिर इस साल तो जिसका रिजल्ट अभी तक अगर नहीं आया है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, किंतु जब सारे एग्जाम टेस्ट क्लियर कर लेगा तब उस वक्त उसके फाइनल एडमिशन के दौरान उसे अपना 12th का मार्कशीट को प्रोड्यूस करना होगा, तभी उसका एडमिशन होगा। टोटल सीट और कहाँ पे कितना सीट है, 100 सीट LNIP ग्वालियर में, 100 सीट LNIP NERC गुवाहाटी में। तो कुल मिला के 200 सीट है जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए अवेलेबल है LNIP के अंदर में। इसका लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020 को, और इसको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो अलग से बना के दूंगा। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ये केवल डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्सनल लोगों के लिए है, जो फौज में काम करते हैं उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स में ग्रो करने के लिए ये कोर्स को डेवलप किया गया है।
और इस कोर्स का ड्यूरेशन है 2 सेमेस्टर यानी कि 1 साल का है। इसके लिए 10 पास होना जरूरी है और ये LNIP ग्वालियर में ही ये सीट है। एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, प्रत्येक खेलों में 15 15 15 यानी लोगों को लिया जाएगा। और ये इसका लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020। और इसको ऑफलाइन अप्लाई करना है यानी कि इसके लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके और उसे ईमेल करेंगे उसके LNIP के ईमेल एड्रेस पे। अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज अवेलेबल है। जो पहला कोर्स है BA इन स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस ओनली फॉर एलिट इंडियन स्पोर्ट्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत जो रिकॉग्नाइज गेम है उसके अंतर्गत वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी गेम खेला हो तो उन लोगों के लिए यहाँ पे प्रिफेवर दिया जाएगा और उनके रैंक के अनुसार ही यहाँ पे उनका एडमिशन होंगे। इनका कोर्स ड्यूरेशन है 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल का कोर्स है। इसके लिए 10+2 पास होना जरूरी है और ये LNIP ग्वालियर में ही सीट अवेलेबल है और इसका सीट अभी निर्धारित नहीं किया गया है, उनके रैंक के आधार पे उनको सीट दिया जाएगा। इसका लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020 और इसको भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट ये केवल भारतीय लोगों के लिए है। इसका कुल अवधि 1 साल का कोर्स है यानी कि 2 सेमेस्टर, 10+2 होना कंपलसरी है और ये LNIP ग्वालियर में ही इसका सीट है। तो इस प्रकार से अंडर ग्रेजुएट के अंदर में ये डिस्टेंस लर्निंग के अंदर 2 कोर्सेस है जो कि हमने बता दिया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर कोर्सेज के अंदर में सबसे पहला कोर्स मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसे हम MPED के नाम से भी जानते हैं। कुल 4 सेमेस्टर होते हैं और ये 2 साल का कोर्स होता है। इसके लिए BPED पास होना जरूरी है। इसके लिए सीट 80 सीट LNIP ग्वालियर में और 40 सीट LNIP NERC गुवाहाटी में सीट है और इसका लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 को है और इसे भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके लिए भी फॉर्म कैसे भरते हैं इसके लिए हम आपके अलग से एक वीडियो बना के दिखाएंगे। अगला कोर्स है MA इन एजुकेशन, 4 सेमेस्टर का है यानी कि 2 साल का कोर्स है। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, 20 सीट है LNIP ग्वालियर में। अगला कोर्स MA इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर है। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, 15 सीट है LNIP ग्वालियर में। इसका भी लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 को है और इसे भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। MA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 4 सेमेस्टर 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन चाहिए, 15 सीट है LNIP ग्वालियर में। इसका भी लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगला कोर्स है MA इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, 4 सेमेस्टर 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, 15 सीट LNIP ग्वालियर में है। इसका लास्ट डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे भी अनाउंस होगा हम आपको बता देंगे, लेकिन इसको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। MSc इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स,
चार सेमेस्टर है, 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन चाहिए, 15 सीट है LNIP ग्वालियर में। इसका भी अभी तक लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ है, इसको भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। MSc इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, 4 सेमेस्टर है, 2 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन चाहिए, 15 सीट है LNIP ग्वालियर में। इसका भी डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है और इसे भी ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा। अगला कोर्स है PG डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट। इसका कोर्स है 2 सेमेस्टर का और ये 1 साल का कोर्स है। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और ये 20 सीट है केवल LNIP ग्वालियर में, और इसका लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020, और इसे भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगला कोर्स है PG डिप्लोमा इन योग एजुकेशन। ये भी 2 सेमेस्टर का है, 1 साल का कोर्स है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए और 20 सीट है LNIP ग्वालियर में। इसका भी लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 और इसे भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगला कोर्स है PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। 2 सेमेस्टर का है, 1 साल का कोर्स है ये। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और यहाँ पे प्रत्येक खेलों में 15 सीट है, ये LNIP ग्वालियर में ही कोर्स है। इसमें गेम कौन कौन से हैं? एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, वॉलीबॉल और रेसलिंग। ये सारे गेमों में प्रत्येक खेलों में 15 15 सीट रखा गया है और इसका सीट आप LNIP ग्वालियर में ही कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहला कोर्स है PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये केवल भारतीय लोगों के लिए है, ये 2 सेमेस्टर का है, 1 साल का कोर्स है। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और ये LNIP ग्वालियर से ही होगा और इसका लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 को है और इसे भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगला कोर्स PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। ये भी केवल भारतीय लोगों के लिए है और इसका कुल ड्यूरेशन है 2 सेमेस्टर यानी कि 1 साल का है, और इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए और इसका स्टडी सेंटर LNIP ग्वालियर है और इसका भी लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 और इसे भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। डॉक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत LNIP ग्वालियर केवल रेगुलर कोर्स ही ऑफर करती है। इस कोर्स में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फिजिकल एजुकेशन, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन योग, जिसके लिए कम से कम 6 सेमेस्टर और ये 3 साल का समय अवधि होता है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और ये 20 सीट है LNIP ग्वालियर में ही ये PhD कोर्सेस होते हैं और इसका लास्ट डेट है 20 अगस्त 2020 और इसे भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सारे प्रोग्राम को सही से समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स पे भी अपना कमेंट दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर हेल्प चाहिए तो हम आपको कोर्स
के डिटेल को समझाने में हम आपको और मदद करेंगे। यहाँ पे किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसके लिए हम और एक वीडियो बनाए हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए और आशा करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छा से देखा होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप LNIP के सारे कोर्स को अब विस्तार पूर्वक आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार के लिए अगर डाउट हो तो फिर से कहता हूँ, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।